Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जुपाक YouTube चैनल में। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ RRB का पेपर, क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर में हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चन पेपर आपको एक एक करके कवर करा दूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका सपोर्ट ही हमें इसके काबिल बनाएगा, ठीक है, कि हम आपको पेपर ला ला के मतलब सोल्व कर करके यहाँ पे दिखा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए यहाँ पे सेक्शन दे रखे हैं कि इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, तो ये पेपर की सेक्शन दे रखे हैं कि किस भाषा में कहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमें तो हिंदी भाषा का क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है, तो चलिए चलते हैं हिंदी भाषा। पहला क्वेश्चन आता है, किसी पिंड को नमकीन पानी में रखने पर इसकी स्थिति में शुद्ध जल की अपेक्षा क्या अंतर आएगा। अगर किसी चीज को हम नमकीन पानी में रख देते हैं तो उसकी स्थिति में क्या अंतर आएगा। तो देखिए, अगर किसी चीज को नमकीन पानी में रखा जाता है तो एक चीज साफ होती है कि उस चीज की डेंसिटी बढ़ गई है, उस पानी की क्या बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ गई। अगर डेंसिटी उस पानी की बढ़ जाती है तो बायोइंट फोर्स ज्यादा लगेगा, जो उत्प्लावन बल लगाता है पानी वो ज्यादा लगेगा। अगर वो उत्प्लावन बल यानी कि जो बायंट फोर्स है वो ज्यादा लगता है तो चीज कम गहराई तक डूबेगी। तो इसका आंसर सही आएगा ऑप्शन बी। ये एडिटिंग टीम ने गलत दे रखा है, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कोलाइडी विलयन है। तो एक पेंट कोलाइडी विलयन होता है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में सही मिलान कीजिए। तो देखिए, बाकी सारी बुक्स नहीं मिलती उनके ऑथर से, केवल डी ऑप्शन को छोड़कर, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन आता है, किस नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो बेसिकली गोदावरी को हम क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं। ये रीजनिंग से क्वेश्चन लिया गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नाइफ को कूट भाषा में MPKHG, तो इसका कूट DTFC क्या होगा। तो आप ही लोग सोल्व करिएगा कॉपी पेन लेके। तो मैथमेटिक्स और मैं रीजनिंग यहाँ पे करा नहीं सकता, आप लोग भी जानते हैं। मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा जो हमारे जितने भी MCQs टाइप क्वेश्चंस हैं उन्हें सोल्व कराने के, जहाँ पे मुझे कॉपी पेन की जरूरत ना पड़े। किसके शासनकाल में मंत्रिपरिषद को अष्ट प्रधानमंडल के नाम से जाना जाता था। तो मराठा काल में अष्ट प्रधानमंडल के नाम से जाना जाता था। बेसिकली अगर आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी तो उसमें आपको पता चलेगा कि अष्ट प्रधान का पहले जो सीन है उसमें ना ये यूज किया गया है। सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत करने वाले जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है। अगला आता है, भारतीय संविधान में किसे बंदी प्रत्यक्षीकरण के संबंध जारी करने का अधिकार दिया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध जारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। आप तो ये देखिए बदल चुका होगा, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसे देख ले, चेक कर लेना। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 8 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर लेता है, यदि उसे यात्रा आधी दूरी 40 घंटे और बाकी दूरी को 60 घंटे तय की जाती तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो देखिए कल लेने वाला क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। अगले हम जीके वाले क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो तुलसीदास बिल्कुल सही, अवधी भाषा में लिखते थे। अमिताभ घोष अंग्रेजी भाषा के, आकिलन तमिल में और SK पोटेकट तेलुगु में। तो ये वाला गलत है। इसे अगला आता है, इनमें से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान 1853 में पहली रेल सेवा की शुरुआत की गई थी। तो डलहौजी के समय में ये शुरुआत हुई थी रेल की। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे पहले किसने प्रतीक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले मुद्रा पर प्रतीक बनाने का प्रचलन शुरू किया था, याद रखें। निम्नलिखित से कौन सा गलत है, बाकी तो सब सही है। ताराबाई साहू जी, मनमती खुर्रम, जीजाबाई शिवाजी, जोधाबाई सलीम, ये गलत है। हाँ, भारत में पहला प्रधान डाकघर कहाँ खोला गया था, कोलकाता में। सूर्य किस तरह का तारा है, तो सूर्य बौना है, ये बात बिल्कुल सही है, ना तो विशाल है ना ही अति विशाल है। देखिए ये ड्वार्फ है, यह ड्वार्फ है, ठीक है, तभी इतना चमकीला है। अगला आता है, ये देखिए ये क्या नाम है, ये पेज नंबर 2 था, ये यहाँ पे आ गया है। वैसे अरेंज नहीं है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से, बाकी क्वेश्चन सारे कवर कराऊंगा। एक छात्र को किसी संख्या को 3 से भाग देने के लिए कहा गया, परंतु उसने भाग देने की वजह से 3 से गुना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 29.7 प्राप्त हुआ। तो उसका सही उत्तर बताइए, तो निकल जाएगा आराम से, एवरेज का क्वेश्चन है। अगला आता है, बोरा गुफाएं कहाँ पर स्थित है। तो बोरा की गुफाएं आंध्र प्रदेश में स्थित है। यदि पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान m है तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान क्या होगा।
देखिए ये वाला क्वेश्चन भी हमारे एडिटिंग टीम ने गलत कर रखा है। एम ही होगा, द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है, वजन बदलता है। याद रखें जो मास होता है मास रिमेन सेम, और जो वेट होता है वो चेंज हो जाता है चंद्रमा पे। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे मैं पेन यूज कर सकता तो बहुत अच्छी बात होती, मैं कोशिश करके देखता हूँ। हाँ तो ये और थोड़ा ज्यादा ही कुछ है, चलिए फिर भी समझाने की कोशिश करता हूँ इसी से। देखिए जो हमारी एम होता है मास, ये हमारा मास है यार, ऐसे मजा नहीं है, चलिए समझ लीजिए, वैसे समझा देता हूँ आपको। जो मास होता है, अगली बार से मैं कोशिश करूंगा कि टेक्निकल चीजें भी यहाँ पे लेकर आया करूँ, जैसे पेन वगैरह आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो जो हमारा मास है वो बेसिकली है कि हमारा किसी चीज के अंदर कितनी, उसके अंदर कितनी चीजें कंसिस्ट है। मान के चलिए आपका मास है, तो मास आपको बताता है कि आपके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने प्रोटॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स, इन सारी चीजों के जोड़ जोड़ कर, जोड़ जोड़ के अगर हम जोड़ते चले जाएं तो कितना आपके अंदर मास है, तो ये मास दिखाता है। मगर वजन होता है वो उस, अब इस मास को पृथ्वी अपनी ओर कितनी तेजी से खींच रही है, दैट इज वजन। उसी का कहते हैं हम ग्रेविटी, जो ग्रेविटी की गुना कर दोगे अगर आप मास में, तो उसी को हम क्या कहेंगे, वजन कहेंगे। तो देखिए मास यहाँ भी उतना ही रहेगा और चंद्रमा पर भी उतना ही रहेगा, मगर जो ग्रेविटी के कारण क्या बदल जाता है, वजन बदल जाता है हमारा, ठीक है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन चुंबक की ओर आकर्षित होता है, तो इसका सही आंसर लगा लेना सी, इसका सही आंसर ये नहीं है, ठीक है। अगला आएगा, निम्नलिखित से कौन चुंबक की ओर आकर्षित होता है, तो लोहे का बुरादा होता है, बिल्कुल सही बात है। 3600 का न्यूनतम संख्या से व्यवहार तो पूर्ण धन प्राप्त होगा, तो देख लीजिए ये क्वेश्चन करके। ल्यूकेमिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, ल्यूकोडर्मा। देखिए जहां डर्मी आ जाए वहां त्वचा का रोग होगा डेफिनेटली, ठीक है। याद रखें डर्मी अगर कहीं पे भी आ रहा है तो वहां पर क्या होगा, त्वचा का रोग होगा। ये बेसिकली मैथमेटिक्स का है और क्वेश्चन है, आराम से हो जाना चाहिए। निम्नलिखित में से किस संस्था ने जीवन बीमा कंपनियों के लिए आरंभिक लोक प्रस्ताव नियमों को पास किया था, तो आरबीआई ने पास किया था। निम्नलिखित में किस लड़ाकू विमान का फ्रांस में निर्माण किया गया है, तो दसलार ट्रैफले का निर्माण फ्रांस में किया गया है। इसके बाद भारतीय संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संबंधित राज्यों के उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है, तो निर्देशात्मक सिद्धांत में किया गया है, जो भाग है निर्देशात्मक सिद्धांत है, जहाँ पर डीपीएसपी के बारे में बताया गया है वहां पर इन सब चीजों का क्या है, जिक्र है। आगे बात करते हैं, किसने गांधी जी के बारे में पंक्ति कही थी कि आने वाली पीढ़ी मुश्किल से विश्वास करेगी कि कोई इनके जैसा शरीरधारी व्यक्ति भी इस पृथ्वी पर भ्रमण किया करता था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन की लाइन है, बिल्कुल सही डाला है। कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा तीन ओर से घिरा हुआ है। अगला है, तराइन के युद्ध, तराई के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को परास्त किसने किया, मोहम्मद गौरी ने किया, बिल्कुल सही है। जनवरी 2013 के आयोजित ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल चैंपियनशिप की विजेता का नाम, तो 2013 का क्वेश्चन है, तो अब आपको याद करने की बेशक कोई जरूरत नहीं क्योंकि उस टाइम का करंट अफेयर है। जयंतीय जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, मेघालय में पाई जाती है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जाता है। लोकतंत्र गणराज्यों के कांगो की राजधानी कहाँ है, किन्शासा। विश्व व्यापार संगठन का 156वां देश सदस्य बनने वाले देश का नाम क्या है, रूस। तो बेसिकली ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस टाइम पे, आप लोगों को इस क्वेश्चन पे ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है, ऐसे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं, साधारण फिटकरी का नाम क्या, पोटेशियम फिटकरी, बिल्कुल सही है, पोटेशियम फिटकरी बोला जाता है इसे। भारतीय प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है, तो भारतीय प्रस्तावना को केवल एक ही बार संशोधित किया गया है, जिसमें हमने सेकुलर वर्ड डाला था और फ्रेटर्निटी वर्ड डाला था। इनमें से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च के साथ आरंभ हुआ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के साथ शुरुआत हुआ। भारत के किस भूभाग पर सुल्तान जैन उल अलाउद्दीन का शासन था, तो कश्मीर का शासन था भारत। अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में किसका समतुल्य अनुपात है, तो देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ये भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, किसी पिंड पर एक अचर बल लगाने से
यह एक समान खालिस्तान से गमन करेगा। अगर हम किसी चीज़ पर कोई फोर्स लगाते हैं, एक अचर बल, अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं, तो ये किससे करेगा? एक समान। मेरे ख्याल से इसका सही आंसर जो आना चाहिए वो एक्सेलरेशन आना चाहिए, त्वरण सही है इसका आंसर। इनमें से किस वजह से ऑडिटोरियम में ध्वनि की निरंतरता बनी रहती है? ध्वनि का एकल परावर्तन, ध्वनि का पुनर्परावर्तन, ध्वनि का पुनरापवर्तन, संभावित उपस्थित वस्तुओं का कंपन। तो बिल्कुल सही है, ध्वनि का एकल परावर्तन के कारण निरंतरता बढ़ती रहती है। निम्नलिखित में से किस विद्यमान तो जंतु कोशिका नहीं पाई जाती? तो क्लोरोप्लास्ट में, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। ऑस्कर विजेता फिल्म लाइफ ऑफ पाई के काल्पनिक दुस्साहसिक का आधारित है, और में टी भी बेसिकली उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो आप देख रहे हो ना कि कितने करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी हिसाब से आपको तैयारी करके जानी है। सल्तनत काल में प्रयुक्त होने वाले पद फवाजिल का अर्थ क्या है? कुलीनों को किया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान। भारत की प्रथम महिला पुलिस निर्देशक कौन थी? तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य। भारत की प्रथम पुलिस महानिर्देशक कंचन चौधरी। अच्छा, सही है कंचन, ये सही है। फिर एक्चुअली किरण बेदी और कंचन चौधरी भट्टाचार्य में से मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। तो एक बार आप लोग भी इसे ना वेरीफाई कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। निम्नलिखित से कौन से निर्धारित करता है कि आमुख विधेयक धन विधेयक है? तो लोकसभा अध्यक्ष, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। लोकसभा का अध्यक्ष बताता है कि जो भी बिल पास किया जा रहा है लोकसभा में वो बेसिकली फाइनेंशियल है या नहीं है। तो लोकसभा का अध्यक्ष इस बात को बताएगा कि ये मनी बिल है या नहीं है, ठीक है। किस देवता की पूजन वर्कारिस करते हैं? तो भगवान विट्ठल की पूजन करते हैं वर्कारिस, ठीक है। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया है, और ये वाला विश्व पर्यटन दिवस, ये वाला है सबसे पहले विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? सितंबर 27। इसका ऑप्शन में कहीं भी नहीं था ये। सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण किया? महमूद गजनी, वो सही है इसका आंसर। किसने अष्टाध्यायी की रचना की? तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की, बिल्कुल सही है। मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन आता है, किस देश में एक प्रचार नास्तिक समुदाय कारण मिल सकता है? तो म्यांमार में ये पाया जा सकता है। बहुत टफ जीके दे रखी है एक्चुअली, जिस लेवल का एग्जाम होना है। एक ही स्थान पर उत्पन्न एक एवं, मगर अब देखिए अब इतनी टेंशन नहीं है, अब इतना टफ पेपर नहीं आने वाला है, क्योंकि पहली बात तो मेरे ख्याल से एग्जाम होगा वो ऑनलाइन बेस्ड होगा, और ऑनलाइन एग्जाम कभी भी ऑफलाइन से टफ नहीं आता है, ये बात याद रखें। अगला क्वेश्चन आएगा, एक स्थान पर उत्पन्न एक समान कार्य के निष्पादन करने वाली कोशिकाओं के समूह को। तो देखिए आपको पता होगा कि जब बहुत सारी कोशिका मिलती हैं तो ऊतक बनते हैं, और जब बहुत सारे ऊतक मिलते हैं तो अंग बनते हैं, और जब बहुत सारे अंग मिलते हैं तो पूरे शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आजाद हिंद फौज के गठन सिंगापुर में हुआ, बिल्कुल सही है। अगला, किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह ट्रिटॉन है? तो नेपच्यून का है। वाणिज्यिक पत्र एक बैंक किसी कंपनी को जारी करता है, बिल्कुल सही है। बैंक जारी करता है कंपनी को, जिसमें वह अपने बिजनेस के डील्स के बारे में बताता है, और सारा मतलब हिसाब किताब रखता है, उसमें कितना उधार है। जठर में उपस्थित अम्ल जो पाचन के लिए सहायता करता है, तो ये HCl है, हाइड्रोक्लोराइड अम्ल, ठीक है। किस जोड़े का मेल सही नहीं है? देखिए यही सही नहीं है, सेरीकल्चर, बेसिकली सेरीकल्चर जो रेशम के कीड़े होते हैं उन्हें पाला जाता है। वाणिज्यिक निष्कासन के पश्चात रक्त के द्रव्य को क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं। निम्नलिखित में से सही मिलान करने वाला नाग टैंक विरोधी प्रक्षेपास्त्र, तो देखिए बाकी सारे, त्रिशूल है सतह से सतह पर मार करने वाला है, पृथ्वी है सतह से हवा में मार करने वाला है, नाग है वो टैंक विरोधी प्रक्षेपास्त्र, ये गलत दिख रखा है। सही मिलान ये देखना है मेरे को एक्चुअली, और पिनाका हल्का लड़ाकू विमान है। देखिए त्रिशूल है वो सतह पर मार करने वाला बिल्कुल भी नहीं है, यह सतह, ये त्रिशूल जो हमारा यंत्र है
वो बेसिकली सतह से हवा में है, पृथ्वी हवा से हवा में मार करने वाला है। पिनाका जो है वह हल्का लड़ाकू विमान बिल्कुल भी नहीं है। और नाग है वो टैंक विरोधी प्रक्षेपास्त्र, ये सही है। जो नाग होता है वह टैंक के सामने जो लड़ाई करने वाला होता है। हालांकि एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है वो डिफेंस से उठाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह बनने के पहले गुलाम नहीं था? तो अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के बारे में चर्चा हुई है। शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ है? शिवनेरी में हुआ था। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया। और अगला है, शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद के शिष्य थे। अभी कुछ क्वेश्चन बचते हैं, ये अरेंज नहीं है मगर पूरे 100 क्वेश्चन ही कवर है, ऐसा नहीं है ये। अगला आता है, निम्नलिखित में किस राज्य की स्थापना राजा ऑयोडे ने की? तो मैसूर। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। हिमालय पर्वत श्रेणी का एक विस्तृत भाग अराकन योमा किस देश में है? म्यांमार में। फिर एक और टफ क्वेश्चन आप लोगों के सामने, राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? ये देखिए आप एक्चुअली मिला नहीं है ना, हम आप लोगों को चलिए छोड़ रखा है क्वेश्चन आप लोग ढूंढने से, और फिर कमेंट सेक्शन में लिखें बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। सागर पूर्वी और सागर पश्चिमी क्या है? तटवर्ती अनुसंधान और जलयान है ये। किस राज्य में प्रसिद्ध हार्मोनियम त्यौहार मनाया जाता है? तो नागालैंड में यह त्यौहार मनाया जाता है। यदि तीन व्यक्ति 14 दिन 300, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया, किसी ठोस के द्रव्यमान से दुगना हो जाने का इसका घनत्व क्या हो जाएगा? देखिए, किसी ठोस के द्रव्यमान के दुगना हो जाने से, तो मैंने आप लोगों को बताया था जो घनत्व है वो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो उतना ही रह रहा है, ठीक है, वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा मगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दोगुना हो रहे हैं तो जो घनत्व होगा, डेंसिटी होगी, वो भी कितनी हो जाएगी? दोगुना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, किस खेल के साथ ग्रैंड स्लैम संबंधित है? तो आपको बताओ, लॉन टेनिस के साथ है। ये आसान क्वेश्चन आया, ये वाला रीजनिंग का क्वेश्चन है। जावा खाई कहाँ स्थित है? हिंद महासागर। कंडरा टेंडन खालिस्तान को जोड़ता है, हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, बिल्कुल सही क्वेश्चन। ये वाला मैथमेटिक्स एंड ये वाला रीजनिंग आप इन्हें करके देखें। अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका होती है, वो सबसे बड़ी कोशिका होती है भाई। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। ये मैथमेटिक रीजनिंग का क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा। बालू एवं नमक के मिश्रण में नमक और बालू किस विधि से अलग किया जा सकता है? पानी में नमक घोलने के बाद आसवन द्वारा बालू एवं नमक के मिश्रण में नमक और बालू को किस विधि से? देखिए, पानी के मिश्रण लो, पानी में पहले नमक डाल दो फिर उसमें बालू डाल दो, तो आप पूछ रहा है कि कैसे अलग किया जा सकता है। तो सबसे पहले दो तरीके हैं इसमें, या तो पहले तो छान लो, उससे क्या होगा, छानने से क्या अलग हो जाएगी हमारी, बालू अलग हो जाएगी। अब बचा पानी में नमक, नमक को हम कौन से ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा भी निकाल सकते हैं, आसवन विधि के द्वारा। तो ऑप्शन डी से ही बताता है कि पानी में नमक को घुलाने के बाद आसवन विधि के द्वारा। अगला आता है, किसी ठोस के साथ इसके वाष्प परिणत हो जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन, बेसिकली सीधा सीधा उठ जाए, ऊर्ध्वपातन, जैसे कि कपूर होता है हमारा। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, किस नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया? तो नर्मदा, सही आंसर है इसका। मेरे ख्याल से जिसको सही आंसर आना चाहिए ना वो झेलम आना चाहिए, बट इसमें ऑप्शन में है नहीं, एक बार आप लोग चेक कर लेना, शायद मेरी जो जीके कहती है वह कहती है झेलम नदी। खालिस्तान की स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे का अभिषेक बुलंद दरवाजे को बनवाया? तो गुजरात पर विजय, हाँ बिल्कुल सही है, गुजरात पर जब विजय की थी तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा बनवाया था। मछली का कौन सा पंख फिन पानी के संतुलन बनाए रखने में सहायक नहीं होता? बाकी सारे सहायक हैं पुच्छ, टेल उसे दिशा देने के कार्य करता है, ये संतुलन नहीं बनाते, दिशा देता है। 58th है, भारत में शिक्षा का किस सूची में शामिल किया गया? तो बिल्कुल सही है, संवर्ती सूची में शामिल है भारत में शिक्षा। अगला क्वेश्चन आता है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, अकबर ने की थी। अगला क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लाइंट एंटली थे, बिल्कुल सही, क्लीमेंट एंटली। और अगला क्वेश्चन है, नॉस्कॉम
नॉसकॉम की फुल फॉर्म नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, एंड दिस इज ऑल अबाउट दो धनात्मक गुणनफल मैथमेटिक्स। किसी उत्कृष्ट कार्य को हेतु शांति रूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। विज्ञान एवं तकनीकी में भटनागर पुरस्कार दिए जाते हैं, एंड ये वाला मैथमेटिक्स क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज का पहला क्वेश्चन पेपर जो मैंने यहाँ पे सोल्व कराने की कोशिश की। आप लोग अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कुछ लोग बहुत गलत लिखते हैं, वो गलत बात है, ठीक है। हम लोग पूरी पूरी कोशिश करते हैं यार आप लोगों की भलाई करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ से कुछ लोग लिखते हैं कि वाह सर खूब कमा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं यार, कमाने वगैरह वाली बात होती तो कहीं से भी कमा लेते, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए आने वाले क्वेश्चन पेपर्स भी बनाता रहूँ। धन्यवाद।